काफी सुकून वाला एनवायरनमेंट है यहाँ पे। इंतजार हो रहा है कि किसी तरह से तेज बारिश हो जाए तो हम भी इंजॉय कर सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरो आफियत से होंगे। इस वक्त हम लोग आए हुए पीपल स्क्वायर पे, जो के बंस रोड पे ही बना हुआ है। ये के बंस रोड पे हम लोग जैसे ही आते हैं, यहाँ से 2 से 3 मिनट की दूरी पर ये बना हुआ है पीपल स्क्वायर। एक अच्छा और काफ़ी दोस्तों ने मुझे रिकमेंड किया हुआ था, भाई आप पीपल स्क्वायर पे एक व्लॉग बनाए। तो फिर ये के हम लोग पीपल स्क्वायर आ चुके हैं, तो चलो यहाँ अभी एंटर हो रहे हम लोग। और यहाँ आते ही ये के बारिश स्टार्ट हो गई है, बूंदाबांदी यहाँ पे हो रही है। तो देखते हैं अंदर कैसा बना हुआ। काफ़ी लोगों ने मुझे कहा हुआ था यार आप यहाँ पे विजिट करो, तो खास कर ये देखना कि नाइट में आपका व्लॉग ज़रूर हो, क्योंकि नाइट में काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ होता है। और ये देखे, ये रहा पीपल स्क्वायर। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे हम कराची में नहीं दुबई में घूम रहे हैं। काफ़ी अच्छा सा पार्क बनाया हुआ है यहाँ पे। और यहाँ आते ही ये कि बारिश काफ़ी हो रही है। पहले मैंने सोचा कि थोड़ा वेट करते, लेकिन फिर मैंने सोचा यार वेट करेंगे, बारिश नहीं रुकी तो व्लॉग मिस होगा। चलो फिर बारिश में ही व्लॉग स्टार्ट रखते हैं अपना, और कैसा है पार्क आपको भी दिखाते हैं। ये ठीक है, ये देख ले आप, काफ़ी एक अच्छा सा पार्क बनाया हुआ है यहाँ पे। ऐसा लग नहीं रहा हम कराची में ही कहीं हैं, तो काफ़ी खूबसूरत सा। और ये देखिए आप, ये बिल्कुल यहाँ पे एक स्कूल वगैरह भी है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ही यहाँ पे घूम रहे जितने दिखाई दे रहे हैं मुझे। ये कुछ फाउंटेन्स है, ये अभी बंद पड़े हुए। और ये आप चेक करें मेरे जो पीछे बना हुआ है, काफ़ी खूबसूरत सा आर्ट बना हुआ है यहाँ पे। काफ़ी हाँ, ये एक और भाई मिले जो चाह रहे थे कि वीडियो में आना, तो मैंने कहा चलो आ जाए, मोस्ट वेलकम। जी भाई आप आए हुए, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? जबरदस्त लग रहा है। और आज का मौसम कैसा है? मौसम है बहुत ज़्यादा, और पब्लिक भी निकली हुई है रोडों पे, बस इंतज़ार हो रहा है कि किसी तरह से तेज़ बारिश हो जाए तो हम भी इंजॉय कर सकें। और जो दूसरा एक चीज़ मुझे और पूछनी थी, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हुआ, तो एक मेरे दोस्त ने मुझे रिकमेंड किया था ये प्लेस के आप व्लॉग में लाओ। तो यहाँ पे कुछ कह रहे थे नाइट में कुछ ये लाइटें वगैरह अब यहाँ पे लगी हुई है, आप कितने टाइम से आ रहे हैं? खूबसूरत मौसम है, हम तो यहीं पीछे रहते हैं हमारा। अच्छा, ये आए हुए हो ना पहले भी? हम पहले भी आए हैं। अच्छा, तो लाइटें वगैरह सारा यहाँ पे सेटअप अच्छा है? बहुत जबरदस्त मौसम है, क्योंकि मुझे खास कर रिकमेंड किया हुआ। हालांकि मैंने व्लॉग तो अपना शूट कर लिया, मैं इसलिए वेट कर रहा हूँ कि नाइट का ये कैसा एनवायरनमेंट है वो चेक करूँ। आप एनवायरनमेंट देखेंगे आप खुश हो जाएंगे। चले, थैंक यू सो मच यार, काफ़ी सुकून वाला एनवायरनमेंट है यहाँ पे। अच्छा, और काफ़ी पीसफुल एरिया यहाँ पे, आगे बंदे को सुकून मिल जाता है। अच्छा, हम तो पेपर दे के आए हैं, तो इस वजह से यहाँ पे बैठे हुए चिल कर रहे हैं थोड़ा। ये कुछ शॉप्स है यहाँ पे, ये अभी है तो क्लोज्ड है। साजिद रेस्टोरेंट से है, आपका नाम भाई? हारून। तो आपके पास क्या क्या मेन्यू में क्या क्या होता है आपके पास? मेन्यू में तो बारबेक्यू प्लेटर है, सब्जी है। जी जी, मटन कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई। अच्छा, उसके क्या कढ़ाई का पूरा पर केजी का हिसाब किताब होता है या क्या सीन है? अरुण भाई से बात की साजिद रेस्टोरेंट से, तो उनका ये कि मेन्यू लिस्ट है ये कि चिकन कढ़ाई में क्या क्या है, ठीक है। और ये लैम कढ़ाई भी अवेलेबल है। और ये कि मैंने एक शॉप वाले से मालूम किया कि भाई ये आधीतर शॉप्स क्लोज क्यों है, तो उसने कहा भाई ये जितनी भी शॉप्स है तकरीबन ये पूरा जो ओपन होता है ना ये अपना पीपल स्क्वायर, ये होता है मगरिब के बाद। आई होप आप सब लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ले, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो न्यू व्यूअर है मेरे चैनल पर, वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे यस कर दे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो ये था आज का व्लॉग, जो कि पीपल स्क्वायर पर हम लोग आए हुए हैं। तो मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये कुछ बच्चों के लिए कार से, तो ये अभी ऑन है लेकिन कोई बच्चा है नहीं जो उस पर राइड ले। ये बच्चों के लिए एक प्लेग्राउंड सा बना हुआ है अंदर, तो बच्चे खेल रहे हैं, ये देख रहे हैं आप। हाँ बेटा, चढ़ जा ऊपर, गिरना नहीं।
अच्छा तो ये रहा पीपल स्क्वायर का टाइमिंग एंड फैसिलिटीज़। तो ये कि विजिटिंग आवर जैसे कि ये स्टार्ट होता है सुबह 8 से लेकर रात 11 बजे तक ओपन रहता है, और पार्किंग की सेम टाइमिंग है, बाकी फैसिलिटीज़ आप पढ़ सकते हैं। ये